दोस्तों तुलसी का नाम सुनते ही पवित्र पौधा याद आता है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो भारत देश में लगभग हर घर में होता है। बड़े से बड़ा व छोटे से छोटा आदमी इसे अपने घर में लगाता है। भारत देश में इसे अपने घर में लगाना शुभ मानता है। धार्मिक मान्यता के अलावा इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। तुलसी स्वास्थ्य की नज़र से बहुत लाभकारी है। कहते हैं कि घर के आंगन में तुलसी होने से रोग विरोग घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी की पूजा अर्चना हर हिंदू स्त्री सुबह करती है। कई युगों में तुलसी को एक औषधि के रूप में भी देखा जाता है। इसकी पत्तियों से लेकर फल तना सब कुछ ना कुछ फायदे देते हैं। भारतवासी हिंदू लोग तुलसी को देवी मानते हैं। वह उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। तुलसी विवाह एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जो दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी यानी कि ग्यारस में मनाया जाता है। तुलसी को हिंदू भगवान को प्रसाद के साथ जरूर चढ़ाते हैं। तुलसी का प्रयोग बहुत सी दवाइयों में भी होता है। हम इसका प्रयोग घर पर भी बहुत ही आसानी से करके बहुत से रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तुलसी के वास्तु उपाय नहीं बल्कि तुलसी के कुछ आयुर्वेदिक उपाय और फायदों के बारे में बताने आ रहा हूँ जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइफ में हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों साथ भी शेयर कर लें। तुलसी के पत्तों को पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे दाग धब्बे सब दूर हो जाते हैं। पानी में तुलसी डालकर पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसे खाने से मुंह की दुर्गंध गायब हो जाती है। तुलसी का तेल बहुत से दर्द में उपयोग किया जाता है। तुलसी से बहुत से पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो बुखार को कम करने में लाभकारी होती हैं। चाहे वो बुखार इन्फेक्शन वाला हो या मलेरिया वाला, तुलसी उसे कम करने में सक्षम है। आयुर्वेद में बुखार के समय तुलसी का काढ़ा पीने की सलाह मुख्य रूप से दी जाती है। इसे पीने से सचमुच बहुत जल्दी फायदा मिलता है। ये खास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आधा लीटर पानी में कुछ तुलसी की पत्तियां व इलायची पाउडर डालकर उसे तब तक उबालें जब तक वो आधा ना रह जाए। इसमें आप दूध व शक्कर भी मिला सकते हैं। अब इसे मरीज को हर 2 से 3 घंटे में देते रहें। इससे बुखार में काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। शरीर में इंसुलिन को बनाने व बनाए रखने वाले तत्व को तुलसी बाहर निकालती है। तुलसी ब्लड शुगर को कम करती है जिससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। एक शोध के अनुसार तुलसी शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स को बाहर निकालता है। इसे एंटी स्टेट एजेंट भी कहा जाता है। तुलसी हमारी सभी कोशिकाओं को सामान्य रूप से चलने में मदद करती है। खून का संचार अच्छे से करती है। अधिक तनाव होने पर डॉक्टर भी तुलसी खाने की सलाह देते हैं। ज़्यादा तनाव होने पर 10 से 12 तुलसी पत्ते जो दिन में 2 बार चबाएं, तनाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। किडनी में पथरी होने पर तुलसी के द्वारा उस समस्या से निजात मिल सकता है। किडनी में पथरी मुख्य रूप से खून में यूरिक एसिड बढ़ने से होती है। तुलसी इस यूरिक एसिड को कम करने में सक्षम है। तुलसी में मौजूद तेल इस स्टोन को नष्ट करता है। वह तुलसी एक तरह की दर्द निवारक भी है, इसलिए यह किडनी स्टोन में होने वाले दर्द से भी आराम देता है। इसलिए यह पथरी की समस्या को दूर करने के लिए एक घरेलू इलाज है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये ब्रेस्ट कैंसर व तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर में आराम देती है। रोज तुलसी चबाने से कैंसर की कोशिकाएं शरीर में बढ़ नहीं पाती हैं। तुलसी में एंटी स्टेट एजेंट होते हैं जो स्मोकिंग छोड़ने में भी मदद करते हैं। तनाव कम होने से सिगरेट पीने की इच्छा कम होती है जिससे आप स्मोकिंग आसानी से त्याग सकते हैं। जब भी सिगरेट पीने की इच्छा जागे तो तुलसी की कुछ पत्तियां लेकर चबाने लगें। कुछ ही समय में आपकी ये इच्छा गायब हो जाएगी। इसके अलावा तुलसी चबाने से एक और फायदा है। इतने सालों से जो स्मोकिंग से आपके शरीर को नुकसान हुआ है वो तुलसी से रिकवर हो जाएगा। तुलसी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है जिससे सर्दी खांसी जुकाम फ्लू वायरल ये सब शरीर में अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। चाय में तुलसी डालकर पीना ठंड व बरसात के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है। आप आसपास होने वाली हर बीमारी से बच सकते हैं। किसी भी कारण से होने वाले सिरदर्द को तुलसी की पत्ती ठीक कर सकती है। तुलसी में दर्द मिटाने के तत्व होते हैं जिसे खाने से बहुत हद तक आपको सभी तरह के दर्द से आराम मिलेगा। अगर बात करें इसे कैसे उपयोग करें
तो एक पतीले में पानी लें, उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें। अब इसे उबाल लें और थोड़ा ठंडा करके इसमें टॉवल भिगोकर निचोड़ें। अब इसे अपने सर पर बांध लें, बहुत जल्दी सिर दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप तुलसी की पत्ती की जगह पर उसमें तुलसी का तेल भी डाल सकते हैं। दस्त उल्टी की समस्या को भी तुलसी आसानी से दूर कर देती है। दस्त होने पर तुलसी की कुछ पत्तियों को पीसकर उसमें शहद व जीरा पाउडर मिलाएं। अब इसे मरीज को हर 2 घंटे में दें, बहुत आराम पाएंगे। इसके अलावा उल्टी होने पर तुलसी के रस में अदरक का रस व छोटी इलायची का पाउडर मिलाकर पीना चाहिए, इससे उल्टी की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे।